18वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। इस अध्ययन के द्वारा भारतीय अपने प्राचीन ज्ञान से परिचित हुए, जिसने उनमें अपनी सभ्यता के प्रति गौरव का भाव जागृत किया। इसने सुधारकों को उनके सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कार्य में भी सहयोग प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अमानवीय व्यवहारों व परंपराओं के प्रति अपने संघर्ष में जनमत तैयार करने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का ज्ञान उपयोग किया। ऐसा करने के दौरान उनमें से अधिकांश ने विश्वास और आस्था के स्थान पर तर्क का सहारा लिया। अतः भारतीय सामाजिक व धार्मिक सुधारकों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तरफ अपने पाश्चात्य ज्ञान का प्रयोग किया तो दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय विचारों को भी महत्व दिया। ऐसे ही समाज सुधारकों में से एक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय का जन्म संभवतः 1772 ईस्वी में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने पारंपरिक संस्कृत शिक्षा बनारस में और पारसी व अरबी का ज्ञान पटना में प्राप्त किया था। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने काफी भ्रमण किया। उन्होंने 1803 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा इंग्लैंड और फ्रांस का भी भ्रमण किया। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो कि अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफी सहायता की थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू भाषा भी सीखी। वे फ्रेंच और लैटिन भाषा के भी जानकार थे। उन्होंने न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, पारसी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें भी लिखी थीं। उन्होंने बंगाली और पारसी भाषा में दो समाचार पत्र भी निकाले थे। मुगल शासकों ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा। वे 1831 में इंग्लैंड पहुंचे और वहीं 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और मानते थे कि नवजागरण के प्रसार और विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। वे प्रेस की आज़ादी के प्रबल पक्षधर थे और इसी कारण उन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए आंदोलन भी चलाया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए और उसके शुद्धिकरण के लिए उस धर्म के मूल ग्रंथों के ज्ञान से लोगों को परिचित कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने वेदों व उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करने का कठिन कार्य किया। वे एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म के समर्थक थे जो कि एक परम सत्ता के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों व पाखंडों का भी विरोध किया। धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करना था, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण संगठन था। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। धार्मिक सुधारों के अंतर्गत ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा योगदान 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। उन्होंने देखा कि कैसे उनके बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया गया था। उन्हें सती प्रथा का विरोध करने के कारण रूढ़िवादी हिंदुओं का तीव्र विरोध भी झेलना पड़ा था। राजा राम मोहन राय के अनुसार सती प्रथा का मुख्य कारण हिंदू महिलाओं की अत्यधिक निम्न स्थिति थी। वे बहुविवाह के खिलाफ थे और महिलाओं को शिक्षित करने तथा उन्हें पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के पक्षधर थे। ब्रह्म समाज का प्रभाव बढ़ता गया और देश के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाज की शाखाएं खुलती गईं। ब्रह्म समाज के दो महत्वपूर्ण नेता देवेंद्रनाथ टैगोर
और केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के संदेश को प्रसारित करने के लिए केशव चंद्र सेन ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की यात्राएं की और बाद में उत्तर भारत में यात्राएं की। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया क्योंकि केशव चंद्र सेन के विचार मूल ब्रह्म समाज के विचारों की तुलना में अत्यधिक क्रांतिकारी व उग्र थे। इस आंदोलन ने देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही अनेक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।